डिस्टिलेशन में का जो प्रिंसिपल है वो है डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इस मेथड में जो मेटल रिफाइन होते हैं वो है बिस्मिथ, मरकरी और कैडमियम। प्रिंसिपल है इसका मेटल हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर मेटल का जो है इम्प्योरिटी के मुकाबले बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। और करते क्या हम इस तरह का एक लेबोरेटरी मेथड, अगर हम देखें इस तरह का एक जो है कंटेनर लेंगे, इस कंटेनर में मेटल को रखेंगे। मेटल जो है क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट लो है और इम्प्योरिटी का हाई है तो मेटल जल्दी ही वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम इसको यहाँ दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे और इम्प्योरिटी यहीं छूट जाएगी पीछे, क्योंकि इम्प्योरिटी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है, यानी हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी तब जाके वो वेपर में कन्वर्ट होगी। लेकिन कम हीट पर ही बाकी जो ये मेटल हैं ये हीट उसमें वेपर में कन्वर्ट हो गए हैं और ये कलेक्ट कर लिए गए हैं। कलेक्ट करने के बाद इन्हें ठंडा करके रूम टेम्परेचर पर ये जिस फॉर्म में रहते हैं उस फॉर्म में इनको रखा जाता है। ओके,